सबसे पहले चलो आप लोगों को धनतेरस की बधाई। दीपावली के तो कल देंगे, तो धनतेरस में सबसे थैंक यू वेरी मच। और दीपावली के दिए किसी गरीब से ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि उसके घर में भी कल दीपावली हो सके। क्लियर, पहली चीज़। और दीपावली का मतलब होता है कि लाइटनिंग का, इट इज़ जनरली लाइटनिंग। वो तो हमने थोड़ा अपने मकान को, मैंने भी डाला है फेसबुक में आपका नाम, अगर आप देखेंगे हमारे घर में, मैंने दीवार मेरी जो मकान की अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आगे जो है मेरी बिल्कुल व्हाइट लाइट मैंने लगाई है, दूधिया लाइट, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट भी करता है व्हाइट। और ये जो आपका दूसरे नंबर पे आता है नाउ, और दूसरा आपका नाउ शुगर सॉल्ट, इनका कलर भी आपका व्हाइट ही होता है, जो हमारी बॉडी के लिए, आपने कल पढ़ा कि बॉडी को मसल्स को फंक्शन कराने के लिए, अगर आपको याद होगा तो मींस जो NaCl कल था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करता है आपका नाम। देखो दिस इज, ये कल आपने पढ़ाई है। तो बहरहाल मैं इसमें वॉशिंग सोडा से पहले आपको ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, शायद मैंने कल पढ़ा दिया आपको, याद है ना? नहीं पढ़ा है। कल मैंने आपको कॉमन सॉल्ट पढ़ाया। ओके, तो आज मैं आपका ना केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट पढ़ाता हूं। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट अब आपको पता लग गया होगा NaCl कितना इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमें बाहर से कुछ नहीं लेना, कोई रूस पाकिस्तान अमेरिका या हमें नहीं देगा, हमें अपने लोगों की भलाई देखनी है। अपने हिंदुस्तान के लोग हमारे आगे बढ़े, गरीब सबसे पहले आगे बढ़े, अमीर तो है ही ना, लेकिन गरीब आगे बढ़े सबसे बड़ी बात होती है। तो जो कॉमन सॉल्ट है बेसिकली इट इज ए रॉ मटेरियल। ये एक ऐसा कच्चा माल है आपका नाम जो फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स, कई केमिकल्स को बनाने के लिए नमक का काम आपका, अगर आपको याद होगा तो कल भी हमने कहा था वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम मेटल्स भी इन्हीं से ही बनते हैं। इट इंप्रूव्स द व्हाट द फ्लेवर ऑफ योर फूड आपका नाम, देखो दिस इज, ठीक है ना? आपने नर्वस सिस्टम आपकी प्रॉपर काम करे, आपका ना वॉक करे, उसके लिए भी नमक का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नर्वस सिस्टम ही हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका कंप्यूटर में होता, यही अगर हमारा फेल हो जाएगा तो आदमी कहता पागल हो गया यार। और अगर हमने सांप को काट दिया तो सांप भी मर जाएगा, क्योंकि नमक है बॉडी के अंदर। मूवमेंट ऑफ मसल्स थी, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, स्टमक इन हमारे फूड को जो डाइजेशन करने के लिए जो HCl हमारे पैंक्रियाज में आपका होता है वो भी आपका नाम, प्रिजर्वेटिव पिकल्स को करने के काम आता है, मीट और फिश को भी प्रिजर्व करने के काम आता है आपका ना। दो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, आज देख लीजिए आप कितने, उन्हें कहा मैं हमाम से नहाता हूँ, उन्हें कहा मैं लाइबॉय से नहाता हूँ, उन्हें कहा मैं डब से नहाता हूँ, उन्हें कहा मैं पियर्स से नहाता हूँ, पियर्स भी लाल हरा पता नहीं क्या क्या आने लग गया है ना, सिंथॉल हो गया, उन्हें कहा कूल वाला आपका ना। तो ये आप देख लीजिएगा इतने। उसके बाद आइस को मेल्ट करने के लिए, बद्रीनाथ का कल मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिया था आपका ना, ऐसे ही। तो रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स, देखो ना इसमें आपका, अब आप जो केमिकल्स आपके होंगे उनके आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला आप देखेंगे, उनका आपका नाम देखो दिस केमिकल नेम आपका आप देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो आपका इसकी प्रिपरेशन आपका कैसे आप इसको बनाएंगे, उसके बाद आपका नाम इनकी क्या प्रॉपर्टीज आपकी होती है और इसके यूजेस क्या होंगे, इन सारी चीजों की आप डिटेल में आप पढ़ेंगे आपका नाम। इसमें सबसे पहले जो कॉमन सॉल्ट से आपका नाम जिसके बारे में मैं आपका बता रहा हूं, दैट इज आपका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaOH, ठीक है, एंड कॉमनली नोन एज
एग्जैक्टली कास्टिक सोडा। आप मार्केट में जाके उस आदमी का सर जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड देना, तो ये क्या होता है? आप कहेंगे अच्छा इसका ना ऐसे भी है ना, तो ना ठीक हो। और केमिकल फॉर्मूला आपका ये CF केमिकल फॉर्मूला आपने ये लिख दिया। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कह रहे हैं इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH है आपका नाम, देखो दस ये एक आपका नाम। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एल्कलाइन है आपका नाम, देखो दस बेसिक केमिकल है, एल्कलाइन केमिकल है, जैसे एल्कलाइन केमिकल आपका नाम विच इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटीरियल। ये यूज किया जाता है नाउ दिस इज द एसिड, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी अदर प्रोडक्ट्स या केमिकल्स। और इट इज यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, in a large scale and produce another products। product का मतलब यहां पे खाने पीने की चीज नहीं है, यहां पे chemicals की बात कर रहा हूं। I am talking only chemicals in a large scale। इसका मतलब पहले आपका NaCl नमक और उसके बाद तब देखो आपका NaOH और उसके बाद अभी देखो आपने क्या लिखा कि दिस मेनी इन मेनी इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर केमिकल्स इन ए लार्ज स्केल। तो देखिए इसका मतलब NaOH इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। मैं बाहर फॉरेन की बात ही नहीं करूंगा, ग्रो इंडिया डेवलप इंडिया और सारे आगे बढ़ो। मैंने ये प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब द रॉ मेटेरियल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaCl। कॉमन शॉर्ट ही आप बना देते। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका आप बना देखो दस हजार एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, याद रखिएगा कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपका। और जब आपका कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इट हैज ए वन स्पेशल नेम, व्हाट इज दैट? जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका नाम NaCl का, दिस कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका एक नाम है प्रॉपर नाम सुटेबल नेम, दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट तो है सर, कॉमन सॉल्ट ही तो है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड में आप पानी मिला देते हैं तो आपका एक्वस सॉल्ट आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, उसका एक स्पेसिफिक नाम है। जय हो ब्राइन BRIN। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, यहां पे दिस इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे इसी की बात हो रही है, इसका मतलब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड नाउ थ्रू आ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉन
ब्राइन, इट डीकंपोजेस, ब्रेक हो जाता है अपना, देखो टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। अब आप देख लीजिएगा व्हाट इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन इज, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। तो ट्राई प्रोडक्ट यू आर मेकिंग बाय दिस रिएक्शन। सुनो तो वेल NaCl, देखो एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप ब्राइन कहते हैं, आपको एक्वस लिख दिया आपने, पानी के साथ जब आप क्या करेंगे नमक को मिला देंगे, एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन हो जाएगा। वेल इट इज रिएक्टेड विद योर आपका लिक्विड एंड यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी अपने पास कर दी, पास जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज अपना, इट्स मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या होगा इक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम जो आपने बोला था कॉस्टिक सोडा इज कॉमनली नोन आपका जैसे। उसके बाद आपकी क्लोरीन गैस आपकी बन जाएगी और उसके बाद आपका देखो हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दिया, लेकिन इज दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, आपको ये देखो, देखो क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस इसका मतलब H2 तो आपको मिल गया यहां पे, लेकिन एक H यहां होगी तो तीन हो गए, NaCl के आगे आप 2 लगा देंगे, ओके फिर Na के आगे तो सोडियम तो आपका देखो ये आपका एक ही है, यहां 2 हो गए तो देखो आपका इसका मतलब 2 यहां भी लगा देंगे, हो गया। अब आपका Cl के 2, Cl के 2 तो आपको मिल गया, H2 आपको यहां पर मिल गया, तो क्या H2 मिल गया, लेकिन आपका ये एक H और एक आपका, इसका मतलब 2 यहां लगा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहली चीज। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये आपका बिल्कुल आपको क्लियरली सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा। हमारे टाइम पे इसके भी मार्क्स मिलते थे, अब आपके जमाने में तो 100% है मेरे, 100% ऐसे नहीं आते, इसको पूरा स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। तो ना आप देखिए सर, थ्री न्यू प्रोडक्ट, तो दिस इज कॉल्ड द ट्राई प्रोडक्ट एंड ऑल थ्री आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो इसमें आपका नाम देखो कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है व्हेन, नाउ NaCl रिएक्ट विद वाटर, एक चीज होगी NaCl, यानी कि दूसरा प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो हाउ कैन यू मेक द क्लोरीन गैस, हाउ कैन यू मेक नाउ द हाइड्रोजन गैस एंड व्हाट इज द प्रिपरेशन, हाउ यू विल डिफाइन नाउ हाउ विल मैन्युफैक्चर नाउ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक रिएक्शन से आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, आपका नाम देखो दिस यहां पे ब्राइन लिखा, तो व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने ये तैयार करना, प्लीज वो आपको आपका वो लग रहा होगा कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये एक्चुअल में कंसंट्रेट कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, जी हाँ जी, ज्यादा क्वांटिटी में जब आप बनाएंगे ना सॉल्यूट, इसका मतलब आप वहां भूल गए
इज मैटर प्योर अराउंड अस नाइन्थ में, सोल एरोसोल सॉलिड सोल सैचुरेटेड अनसे, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी सर। इसीलिए आपका लिखा हुआ है नाउ दिस इज अ कंसंट्रेटेड आपका लिखा हुआ है। इज इट क्लियर सर? अब भी कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? ज्यादा कर दो, अब हो गया क्लियर? अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर आप देखिए ना, तो ये एक्चुअल में ये एक वेसल में आपकी की जाती है, और इसमें आपका नाम देखो दिस ये NaCl का आपका जो ब्राइन आप कह रहे हैं आपका कंसेंट्रेटेड दिस में सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, इसमें आपका नाम देखो दिस ये कैथोड और इलेक्ट्रोड आपका नाम है, और ये इलेक्ट्रोड दो आपका इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वाटर आपने इसमें साथ ही साथ अपने H2O भी डाल दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पे क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन से लिखेंगे तो आपने आपका आपने क्या किया, ट्राई प्रोडक्ट बनाया क्लोरीन गैस दिस। तो ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू हैव पास That process is known as आपका electrolysis. इस electrolysis के दौरान आपने क्या बनाया कि जो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, ये देखा तो ये प्रोड्यूस होगी तो ये कहां जाएगी आपके नाम दिस इज पॉजिटिव आपका नाम दिस इज इलेक्ट्रोड, एंड दैट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज आपका नाम प्रोड्यूस एट पॉजिटिव यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं एनोड। ये आपका हो गया एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, कैथोड का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड्स को आपका क्लियर हो गया। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेन जिस पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन था आपका नाम, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है आपका नाम देखो इस फॉर्म नियर द कैथोड, कैथोड के आपके बिल्कुल नजदीक आपका बन जाएगा आपका नाम देखो। तो जितने भी तो ये जो ऑल द आपका नाम देखो दिस प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट का मतलब यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस जो आपका क्लोरीन गैस आपने बोला और प्लस ये जो ट्राई प्रोडक्ट है, ये तीनों जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आपका नाम देखो दिस इज आर कलेक्टेड, उसके बाद आपका नाम देखो आर इनको आपका कलेक्ट किया जाता है कलेक्टेड एंड आपका स्टोर्ड सेपरेटली। इसलिए दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको तीन चीजें मिल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल रहा है, आपको क्लोरीन गैस आपको मिल रही है और आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लोरीन गैस कैन बी कलेक्टेड एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट द सॉरी एनोड पे, और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन एनोड पे सॉरी एनोड पे आपका, और जो नियर द कैथोड होगी वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको होगा। तो समझिए ये आपका नियर निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स भी आपका जमा हो जाती है। और द इंपॉर्टेंट नोट जो है इसमें कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन is called chlorine
क्लोर एल्कली, क्लोर सी एच एल ओ आर सी एच एल क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये देखिए आप इसका मतलब, अगर आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ये जो आपका प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं आपका नाजुक होते ये जो बने फॉर्म एमओ एफ ओ आर एम ई डी जल्दीबाजी में लिखने में आपका देखो ना जैसे इसमें क्या हो रहा है फॉर क्लोरीन आपका हो गया आपका एल्कली एल्कली ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है आपका नाम दिस इज एन एच आपका देखो इसीलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोर रिप्रेजेंट फॉर आपका क्लोरीन गैस एंड एल्कली मीन्स आपका नाम क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आप देखें ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर वेरी मच एसेंशियल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम देखो दिस इज और ये आपका नाम कैन बी ऑप्टेन बाय द दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आपका नाम ऑफ ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या हो गया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपको ठीक हो गया ना। तो इसीलिए इसको आपका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी आपका इसको कहा जाता है आर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है ना। और दीज थ्री प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इन तीनों के लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है वो एक एक करके आप है ना आप डिस्कस करें। पहले ये सारा था क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्रॉपर्टीज सब थी, अब तो पता नहीं कैसे किस गधे ने आपका सिलेबस डिजाइन किया ये मैं समझ रहा हूँ। अगर टेंथ का बच्चा इतना नहीं पढ़ सकता तो फिर क्यों स्कूलों में बुला रहे हैं उनको काम का, मुझे नहीं लग रहा। एनी हो प्लीज हम संडे के दिन भी पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी छुट्टियां होगी देखो आप भाई आगे जो भी होगा, आज तो मैंने संडे को पढ़ाया ना आपको सुबह तो देख लीजिए आप। तो ये जीलिंग आपके अंदर भी होनी चाहिए अगर मेरे अंदर है तो भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और दिन तो आपकी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है लेकिन छुट्टियों में भी अगर आपकी चल रही है तो मैं अपने सारे काम रोक करके आया हूं। देखिए आपका नाम 6 बजे 5 बजे पढ़ाने के लिए आपको जो क्या नाम कहते हैं मुझे भी सुबह नहा करके पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो सरस्वती माता के नीचे खड़ा हूं तो अशुद्ध होकर मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। तो मुझे तो चाहे तुम नहा के नहीं आए हो, नाइन्थ के बैच में पूछा तो दो बच्चे आए थे और ना हाय ये तू ठंड में के कर ले तू नहबे बीमार है जाले है ना। अपनी आदतों को सुधारिए, छुट्टी का मतलब ये नहीं है, छुट्टी का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करिए क्योंकि स्कूल जब आप नहीं जा रहे तो मम्मी का साथ कंट्रीब्यूशन करिए पापा के साथ कंट्रीब्यूशन करिए आप ना कोई एक अच्छा काम करिए। वही मैंने बोला आज कल किसी कई लोगों ने धनतेरस कल मना लिया, अगर आपने नहीं मनाया तो आज मनाइए। मनाने का मतलब किसी को 100 रुपए की दवाई ला करके दे दीजिए, अपने घर मत लाइएगा क्या पता आपके 100 रुपए की दवाई से उसके घर में कोई पेशेंट बच जाए। गरीबों को दिए उनसे खरीद लीजिए उसकी दिवाली हो जाए। ये चीजें आपका जब हम पॉजिटिव थॉट्स लेके सोचेंगे ना तो ऊपर वाला भी हमें पॉजिटिव थॉट्स। अब आपने कहा नहीं जी मैं तो बीमार हो गया मुझे तो बुखार, तो आदमी को फिर बीमारी हो जाता बुखार ऐसे बुखार है मुझे नहीं कुछ नहीं बुखार मैं कर सकता हूं आई कैन डू मैं कर सकता हूं। तो वो आपको एक लेवल में ले जाएगा ऊपर के लिए। तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां कहां यूज किया जाए, स्वास्थ्य
अभी बार बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिखो NaOH तो आपको याद हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कास्टिक सोडा है, यही तो कास्टिक सोडा ही हुआ ना, क्लियर है? तो आपका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सुबह सुबह जब आप पाकिस्तान से शुद्ध होकर के आते हो तो ये कर, और आजकल तो दिवालियों की धोबी घाट खुला होगा आपके घरों में, तो ये इसकी भी जरूरत है। एंड ये दोनों बनते हैं सोडियम। अब आप लगाओ व्हाट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ नमक इज द रॉ मेटीरियल, देन फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट इट रिक्वायर्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबका नाम देखो, एंड दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आपका नाम जनरली यू आर गेटिंग बाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ योर कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर विच इज नोन एज अ ब्राइन। आपका नाम देखो क्लोर एल्कली आपने प्रोसेस बना, तो कितनी चीजें निकल करके आती हैं। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग, नाउ दिस इज अ रेयॉन, दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल जी से फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल की बात आ गई, हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां है? गुजरात। गुजरात में पर्टिकुलर किसी शहर का नाम बता सकते हैं आप? सूरत, एग्जैक्टली। और दूसरी पानीपत। आपका नाम दिस इज, तो ये पता होने चाहिए आपका नाम सूरत एंड पानीपत। यहां तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन पानीपत में मैं इसलिए क्योंकि मैं जब लूम मशीन पे काम करता था एज ए फैक्ट्री मैनेजर भिवाड़ी में, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। आपका नाम, ये बाहर फॉरेन की थाईलैंड की कंपनी थी, मैं हमारे जो इसके जो लैंडलॉर्ड थे मालिक ओनर कभी नहीं आते थे, मैं ही चलाता था उसको, तो ना तो ये आपका नाम। तो तब मुझे मौका मिला टेक्सटाइल्स को जानने को, फाइबर। फाइबर में भी आपका नाम ये जो तागा होता जिसको आप थ्रेड कहते थे, जनरली लोग थ्रेड कहते हैं, फाइबर। कॉटन का तागा हो गया, रेयॉन आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस इज द, ये इन तागों की डेनियर होती है मोटाई, इनकी जो GUA जी गेस होती ना गेस, ये जैसे ये मेरे हाथ में भी है तागा, ये देखो आपका ये छोटे छोटे पतले तागे अगर आप दिख रहे होंगे आपका, देखो ना ये 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 एक इतना मोटा तागा है जैसे आप किसी तार को खींचते हैं, आपका देखो ना दिस इज ये, तो ये तागा कहीं भी आपका होगा तो ये इसकी डेनियर 75 डेनियर का है या 70 डेनियर का है या 80 नंबर इसके ये होती है। और कोई भी तागा आपका चल रहा है, कोई भी तागा आपने जैसे कलर, ये आपका कौन सा कलर है, विच कलर यू हैव, आपका ना जस्ट ये तो ब्लैक है, नहीं नहीं वो मेहरून कलर है, आपने ब्लू पहना है, ब्लू में देखो आपका एम्ब्रॉयडरी हुई है, आपका नाम देखो दिस था जिसमें राउंड था क्या लिखा, वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे रेस लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है। तो ये जो है ये कार्विंग होकर के जब टी शर्ट बन जाती है उसके बाद फिर आपका एम्ब्रॉयडरी सेक्शन आपका होता है, ये कलर मॉनिटर भी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, तो जो डिजाइनर होते हैं वो आपका इसको पहले आपका स्कैन करते हैं और उसके बाद कितने तागे किस डेनियर के इसमें डाले जाएंगे तभी आपका ये बनता है लोगो, ये भी बड़ा कॉस्टली बनता है, फिर ये एम्ब्रॉयडरी मशीन में जाएगा, एम्ब्रॉयडरी मशीन में आपका नाम, फिर ये आपका, तो ये ऊपर आपका इस कमरे के बराबर आपका नाम, डबल गेंट्री मशीन सिंगल गेंट्री मशीन होती है, पहले आपका रेपियर लूम आती थी उसके बाद एयर जेट लूम आई, एयर जेट जिसमें आपका नाम मेल और फीमेल रेपियर आते हैं और उसमें जो है जैसे आप थूक डाल करके थूक से लगा के तागा डालते हैं ना सुई के अंदर, तो उसमें आपकी इतनी एक्यूरेसी होती है कि फीमेल तागा लेके आती मेल ले आती, ऐसे करके चलती है। तो उसमें ऊपर जकार्ड होता, जकार्ड में ऐसे जो तागे आते 1681 आपका तागे नीचे से फ्रंटल बीम होता है, ये व्हाइट रंग का आपका पूरा फ्रंटल बीम धीरे धीरे धीरे, इसको तो आपका इसको ये जो फ्रंटल बीम आता है जो
कई मीटर इसमें जो है तागा होता है, और ये इसको उठाने के लिए भी आपका क्रेन लगानी पड़ती है। उसके बाद फिर फैक्ट्री अंदर इसको लुढ़का करके तब इसको पैनल से उठा करके तब लगाया जाता है। इधर कलर्ड पूल आपके होते हैं, स्पूल्स होते हैं जिनको आपका कहते हैं, जैसे रील होती, रील जैसे तागे वाली रील होती, ये छोटी होती है रील। आपने देखा होगा कई जगह, आपने देखा होगा जो आपका स्टिचिंग होती, बड़े पूल भी लगाए होते धागे वाली, ना धागे, ये छोटी को रील कहते हैं, और बड़े वाले जो ऐसे होते हैं बड़े बड़े, दीस आर स्पूल्स कहते हैं इनको, स्पूल। और खाली लाल धागा अगर आप देखें रेड, तो रेड में आपका नाउ 31 कलर होते थे जिस समय मैं काम करता था। व्हाइट ही आपके 15 कलर होंगे, ब्लैक ही आपके 15 होंगे आपका। तो दिस इज द ईयर। तो जकार्ड फ्रंटल बीम से आपका ये आते हैं, इधर टैम्पलिंग भी आपकी होती है, इधर आपका कंप्यूटर्स का आपका स्क्रीन लगी होती है, जो डिजाइन आप डालेंगे ये बम्पिंग करके आपका कलर उसी हिसाब से, यहाँ पे उसी हिसाब से कौन सा कलर आप लगाएंगे, 31 लगाएंगे, RL30 या W, आपका इनके कलर होते हैं अलग अलग स्पूल्स के, तो अपने हिसाब से डिजाइन कंप्यूटर पे चलता है। और ये आपका जो आप ये देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हुई, ये आपका उसमें होती है। और सबका कलर कोई भी कपड़ा उसका जो बेस होगा कलर अंदर वो आपका व्हाइट ही होता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने अपने मकान में इस बार व्हाइट लाइट लगाई है। व्हाइट लाइट इज ऑल्सो ए प्रतीक ऑफ सिंबल ऑफ शांति, पीस, व्हाइट, व्हाइट लाइट आपका। तो ये चीजें, ये डेनियर्स पे आपकी चलती, ये मैंने इसलिए बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। इसके बाद थर्ड, ये शायद इतना नॉलेज आपके स्कूल टीचर को नहीं होगा, पूछ लीजिए आप, सर जकार्ड क्या होती है, लूम मशीन क्या होती है, लूम कितने प्रकार, रैपियर लूम, रैपियर लूम में तो हम कभी कभी क्या होती है रैपियर लूम तो नीचे से उठाते थे वाटर बबल लगाकर, एयर बबल लगा करके आपका नाम बदल सकते। मेरे पुराने, मेरे फादर की उम्र के थे रकॉक्सी, हंस क्लूफर, जर्मन के इरेक्टर्स इंजीनियर्स जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ परफेक्ट इंजीनियर। वो वहीं से मेरे को कहते थे रावत नाउ यू सी दिस, तो वहां से नक्शा भेजते थे, उसके बाद आप यू डू दिस, हमको आने में टाइम लगेगा, आपकी फैक्ट्री बंद पड़ेगी, आप ऐसे ऐसे इसको उठाइए। तो मैंने लूम मशीन पे भी काम किया है दिवाली में, बीटा उबन लेवल्स कंपनी में। तो मैं कई कंपनी में आपका ये उससे मैं सबसे पहली कंपनी आपका जो लूम, आपका जो लुमिनेक्स है, इसकी बैटरी जब बनती थी यहाँ भी मैं एज ए फैक्ट्री मैनेजर रहा हूँ। लेकिन आज मेरा किस्मत इतनी खराब है कि मैं क्या कहूँ। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, जिससे लिख रहे हो, एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस इज पेपर। और आपके नजदीक तीन फैक्ट्रिया, लाल कुआ, एग्जैक्टली सेंचुरी पेपर। और याद रखेगा इसका एक पेपर तो ऐसा है कि सेंचुरी का जो आपका वर्ल्ड फेम है, ये जो आपका ये वो पेपर भी बनाते हैं आपका नाम देखो दस हजार, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ A4, जो आपकी सीट होती जो A3 आपका A4 सेंचुरी पेपर में इसका बॉन्ड पेपर कहते हैं, बॉन्ड पेपर, ये वर्ल्ड फेमस है शायद। इसके बाद दूसरा रुद्रपुर से आगे बिलासपुर रोड में चड्डा फैक्ट्री, चड्डा पेपर मिल है। और काशीपुर में बेलवाल साहिब पेपर मिल। अब आप लगे ये आपको पता होनी चाहिए यार, पेपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप उत्तरांचल में आपके, जो मेरे को जितना जितना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ा हुआ इसलिए हो, जैसे आज नहीं गया मैं, लेकिन आज मेरा आप प्रोग्राम है, उसने कह दिया बीमार है, उसको वहां ले जाना है, वहां ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अपने नेटवर्क के हिसाब से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करता हूँ आपका नाम, इसलिए मैं गोमकर प्रवृत्ति का भी पढ़ाने के साथ, तो मैं इसलिए जानता हूँ ये फैक्ट्री कहाँ है आपका नाम। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, ये आपका नाम NaOH इज यूज फॉर प्योरिफाइंग बॉक्साइट, यू नो, और फ्रॉम विच
एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपेक्टेड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है कि जो बॉक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम की और मिनरल है जिसको आप इनरिच करके एक्सट्रैक्टेड करके आपका एल्यूमिनियम आप निकालते हैं तो ना देखो 10,000 क्योंकि कोई भी आपका ना और आपकी होती है वो आपका इम्प्योर स्टेज में मिलती है. अब वो आगे जाकर के आप उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे आपका रोस्टिंग आपका ना वगैरह ये सब चीज पढ़ेंगे आपका. तो ओर्स ऑफ मिनरल पहले ये भी आपके कोर्स में था जय हो आपके CBSE की. पता नहीं क्या बच्चों को बनाना चाहते हैं और फिर कहते बच्चों से एग्जाम नहीं निकल पा रहा है क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है कहां से करेगा जब आप आपने सब कुछ तो उनका कम कम कर दिया. बंद ही कर दो साले किताब को अनपढ़ भारत बनाओ. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर आपका डीग्रीसिंग मेटल. अगर जैसे शटर में हम ग्रीसिंग करते हैं और अगर बाई दी डी ग्रीस हो गया अब शटर उठ ही नहीं रहा बड़ा हार्ड हो रहा तो इसको मतलब दोबारा ग्रीसिंग करने से पहले इसको डी ग्रीस करेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए. कहने का मतलब नहीं निकल जाएगी लेयर निकल जाएगी फिर लगा लेंगे समझ रहे स्मूथ शटर उठाने के लिए. ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है. नाउ डाइज बनाने में मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस यू नो ब्लीचेस ब्लीचिंग एक तो कपड़ों में भी आता है कपड़ों के लिए भी आता है जैसे गोदरेज वगैरह का आता है पानी में भी आपका होता है और यही पूछना जरूरत है. अगली पार्लर में जब आप जाते हैं ब्यूटी तो ये अब लोग तो कहते हैं मैं ब्यूटी पार्लर में आया पूरा पुता पुता करके अपना है ना तो पता चला वहां तो आप 56 के जब हो जाओगे तो 46 के तो दिखोगे नहीं क्योंकि एक बार जब आपने अपने ब्यूटी की लेयर लगानी शुरू कर दी पार्लर में जाके तो फिर ब्यूटी की लेयर लगाएंगे नहीं तो फिर स्किन यू हो जाएगी. इससे बढ़िया हम ही ठीक है पिचके गाल हो या हमारी खाल काली हो ठीक है फर्स्ट क्लास है. दिया हुआ खुदा की इनायत है तोहफा समझ करके स्वीकार कर रहे हैं. नो ब्यूटी पार्लर ओनली अपना पार्लर चलता है ठीक हो गया क्लियर. इसके बाद पोटास पोटास अब तो क्या अब तो पटाखे आपका सबसे ज्यादा पटाखे कहां बनते हैं हिंदुस्तान में दिल्ली नहीं किसने बोला शिवकाशी साउथ में आप देखेंगे शिवकाशी. तो आप क्रैकर्स की बात अगर आप करेंगे क्रैकर्स और वो भी मुर्गा छाप कॉक जिसको आपका जो कॉक ब्रांड है ये आपका ना शिवकाशी में ही आपका नाम. आप छोटी यूनिट 2-4 यूनिट दिल्ली में हो गए यहाँ हो गए वहां हो गए आपका यहाँ भी होगा बनने को तो रामपुर है सारे असले वहीं बनते पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा पोटा. और क्या होता था पहले क्या होता था अब तो पटाखे बने. पहले जब क्या है हमारे गांव में सेब के पेड़ तो क्या होता था जब एप्पल लगता था पकने की स्टेज में होता था तो बड़े बड़े उनके फ्लीस जो आती थी ग्रुप आती थी जो वो तोतों की होती तोता पैरट्स तो उनको उनसे बचाने के लिए क्या करते थे एक लोहे की आपका नाम जैसे सनेसी होती सनासी सनासी पकड़ने वाली नहीं नहीं सनासी अब तो नहीं होता तो ट्रॉन्ग कहते आप उसको तवे रखने के लिए. तो ऐसे पहले सनेसी होती तो बड़ी सनेसी होती थी उसमें पोटास डाला जाता था दो के बीच और उसके बाद उसके लोहे उसके पत्थर में मार पोट आवाज करता था बॉम्ब की तरह. तो ये जो ये पैरट्स होते थे जो फ्लीट में आते थे वो भाग जाते थे आवाज सुनकर. तो ये तो आज से तो एंशियंट टाइम से हो रहा है. केमिकल की जो दुकान है केमिकल की दुकान अब यहाँ तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन रुद्रपुर में मेरे ही मित्र के थे आज उनका स्कूल भी है. तो ना उनको किसी ने गोद लिया था किसी प्रिंसिपल साहब श्रीवास्तव साहब ने उनके बच्चे नहीं थे तो बात को उन्होंने ही आपका नाम अच्छा कारोबार उनका बनाया आज उन बच्चों के अब दो भाई अलग अलग हो गए नहीं लेकिन मेरे टाइम पे
एंज हाई स्कूल के साथ ही उनकी दुकान थी। यूसेज ऑफ क्लोरीन, अब आप क्लोरीन की आप बात करें तो ना दो, तो ये जो क्लोरीन गैस है, दिस इज अ क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू नाउ क्रिस्टलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आपके घर में पानी भेजने से पहले उसमें बैक्टीरिया जम्स ना आए, इसलिए जो मेन सप्लाई, जैसे यहां पे आपका ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इस ट्रीटमेंट प्लांट से जो सप्लाई आपके घरों में टैप के द्वारा की जाती है, वो आपका नाम उसमें आपका यही क्लोरीन आपका डाला जाता है कि डिसइंफेक्टेंट की तरह आपका नाम देखो। तो ये आपका, अब ट्यूबवेल तो नीचे से हो गया ना, लेकिन फिर भी अब पता चला वहां स्टैग्नेंट है। हालांकि कई बार क्या होता है, तो ठीक है वो बढ़िया बात है, लेकिन कितने दिन तक चलेगा? नदियां तो सूख गई, तो वही अब वहीं से ट्यूबवेल से ही आएगा। ट्यूबवेल में भी पहले हल्द्वानी में लेवल 40 फीट में था, अब 500 फीट में चला गया। कितनी प्रोग्रेस आप लोगों ने की है, आपका इतना सीमेंटेड जंगल आपने खड़ा कर दिया, एक पेड़ तो सुसरा कोई लगाता नहीं है। सरकार पे सोचते सरकार पेड़ लगा के तब आपको ना, आप नहीं आने वाली जनरेशन को भी खत्म कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम पेड़ लगाइए। आदमी एक कमरा बना दे रहा है अपनी निकम्मी औलाद के लिए, जिस ससुरे ने आगे जाके बाप को भी रोटी नहीं खिलानी, लात मारनी है, अनाथालय में जाएंगे बाप, लेकिन एक पेड़ नहीं लगाएंगे। तो उस निकम्मे के लिए साला पेड़, आप पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होनी चाहिए, एक बेटर प्रोस्पेक्ट, एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए बच्चे, समझ रहे? तो आप तो दिस इज ट्रीटमेंट, आपका जो प्लांट होता है आपका नाम, यहाँ पे आपका ऊपर सेंट पॉल स्कूल के सामने मोड़ पे, सेंट रेजा और सेंट पॉल के बीच में। नाउ दिस एंड इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी आपका नाम स्टरलाइज करने के लिए, क्योंकि पता चला 1,00,000 वाटर, 1,00,000 लीटर पानी आपने स्विमिंग पूल में डाल दिया, अब रोज तो उसको चेंज करोगे नहीं, बल्कि नई जो नई क्वालिटीज के आपके स्विमिंग पूल सारे यहीं पे है आपका नाम, आपके गली में है शिवम, उसमें वो ट्रीटमेंट करते रहते, उसी पानी को कई महीने तक चलाते, तो उसमें क्लोरीन डिस आपका डालते, जिससे क्योंकि कई बच्चे आते। अब मैं तो उधर सुन रहा था जो वहां नीचे तरन ताल है, वहां तो बच्चे अंदर सुसु भी कर देते हैं उसमें, है हाँ, तो बताओ अंदर कोई देख रहे सुसु कर रहे हैं, और पता चला क्या नाम, एक लाख लीटर आपका पानी भरा था, पता चला शाम को बढ़ करके 1,10,000 लीटर हो गया। तो यही तो है, इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल अब नीचे तक चाहिए। हाँ तब वहां इंटॉलरेंस टॉलरेंस और ये हमारी इज्जत बेइज्जती सब कह दे लो, लेकिन अपनी औलाद को, निकम्मी औलाद को ऐसी जगहों में भेजेंगे? आप देखो कितने पेरेंट्स, देखो कितना निकम्मा है, जब वही औलाद आपकी जो स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके निकलती है घर से बाहर, तो मार थप्पड़ की पहले हेलमेट नहीं देना, कौन सिखाएगा ऐसी थी इसको, मैं सिखाऊंगा या आपके माँ बाप सिखाएंगे? प्राइमरी एजुकेशन तो सबसे पहले घर से मिलती है ना। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है इतना चाहिए, ठीक है ये, अरे नहीं डाला ससुरों ने तो तुम डाल लो ना अपनी टंकी में, क्या फर्क पड़ता है? बीमार ट्रीटमेंट सप्लाई वाले थोड़े होंगे, तुम होंगे ना। और फिर क्या था, वो भी छोड़िए, बैक्टीरिया तो कहीं से भी आ सकता, हिंदुस्तान में क्या है? उन्हें कहा मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, रात को सब सोए, उन्हें प्लम्बर बुलाया, काट दे भाई यहां से, मेन लाइन से काट के नल आपके यहाँ आ रहा है, और उसके बाद ये बेखूबी देखिए, इसको सील नहीं करेंगे, इसको रबर से बांधते साइकिल के टेप से। ये तो हिंदुस्तान, तभी तो यहां तो मार मार के भूत भरना चाहिए, तब यहां हिंदुस्तान में आदमी सुधरता है, क्योंकि ये टीचिंग हमने कभी अपने बच्चों को दी ही नहीं। नहीं बेटा गलत मत कर, उसकी गलती पे हम हंसते हैं बचपन में, तो ना दो। तो ये हो गया, क्योंकि ये क्यों आपका, क्योंकि क्लोरीन गैस इज डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब आपका ना देखो, विच किल्स द जर्म्स, जर्म्स लाइक बैक्टीरिया जिस प्रेजेंट इन वाटर एंड टू मेक इट
का पानी में ये आपका क्लोरीन गैस आपके डाली जाती है, तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है देखिए आपका। नहीं तो आदमी तो पानी पी के भी मर सकता ना, नहीं मर सकता। एग्जैक्टली दूसरा, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहिए या प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद थर्ड, क्लोरीन गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नाउ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका देखिए क्योंकि जो आप करते एच टू और प्लस सी एल टू इज इक्वल टू जो आप एच सी एल ए करते हैं, तो देखो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, दोनों ही गैस है। इज इट क्लियर? इसके बाद क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, ए प्लास्टिक सच एज अगर आपने पीवीसी जी जो आपके ऊपर डाउन पाइप जो पॉली विनाइल आपका नाम दिस क्लोराइड, ये जो ऊपर छत से नीचे को आपका नाम आपका छत का पानी लेकर के जो डाउन पाइप सब लगाते हैं ये आपका, और इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आपका नाम आज की तारीख में ये इलेक्ट्रिसिटी के बिजली अंडरग्राउंड फिटिंग होती है ये भी आपका नाम। उसके बाद दवाई पेस्टिसाइड्स, अब आप लोग यहां पे शहर के बच्चे किचन गार्डन आपके पास है नहीं, सपोज मैं सबकी बात देखें तो पेस्टिसाइड आपका देखो ना ये तो ये पेस्टिसाइड्स में दवाई माइक्रोब्स को मारने के लिए जो आपकी क्रॉप्स को या आपके किचन गार्डन में जो वेजिटेबल आप है या फ्रूट्स उनमें जो बीमारियों से बचाने के लिए पेड़ों को और अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सके आपका नाम से। इसके बाद CFCs, यू नो व्हाट इज दिस, क्लोरो जी फ्लोरो जी क्या कहे कार्बन, क्या होता है कहां गैस, कौन सी गैस जो आप फ्रिज में कूल करने के काम आती है, तभी आपका फ्रिज आपका ठंडा होता है। अगर आपकी गैस खत्म होगी तो, और ये जो गाड़ी वगैरह में भी आपका नाम मेरे हिसाब से जो आप एसी चलाते उसमें भी आपकी होनी चाहिए कार में तो आपका। उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म, जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है जी, वेर यू हैव हर्ड दिस नेम, वेर वी कैन यूज दिस क्लोरोफॉर्म, याद नहीं आ रहा क्लोरोफॉर्म आपका नाम जी, हॉस्पिटल्स में आपका नाम यूज किया जाता है किसी मेजर ऑपरेशन में जब आप करते जिसको आप एनेस्थीसिया कहते हैं, एनेस्थीसिया ये आपको भैया हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकर के क्या किसी मम्मी पापा को सुहाने घर से भागने, तो फिर एनेस्थीसिया ही आपका इसका स्पेशली जैसे एमबीबीएस आप करते एमबीबीएस भी कहीं आपका नाम आपने चाइल्ड का अलग हो गया, मेडिसिन का अलग हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट सब आगा ऑप्स वाला अलग हो गया, पीडिया वाला अलग हो गया, डॉक्टरी भी अलग अलग फील्ड में होती है, तो ये आपका नाम दे से तो वहां एनेस्थीसिया आपने कहा किसी का ब्रेन आपका हेमरेज उसका आपका या किसी के आते काटनी हो कोई डिजीज के कारण तो उसके लिए जो डॉक्टर इसके तो 5 साल की इसका एनेस्थेटिक उसका काम क्या है आपके यहाँ आप बुलाएंगे इसको वो पूछेगा डॉक्टर साहब कितने घंटे का ऑपरेशन होना है वो क्या 5 घंटे का 5.5 घंटे की क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया सुंघा के चला जाएगा 20,000 रुपए ले लेगा चल दिया। और हल्द्वानी में जो एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर नहीं है रुद्रपुर से आता है याद रखिएगा तो ना ये देश। उसके बाद आपका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कहते हैं, कहां कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कहां यूज है
बताइए अपने स्कूल टीचर से, जरा केमिस्ट्री वाले से पूछ रहे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कहीं यूज करते? खाली पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, माँ बाप को बोले जरा कान के पीछे लगाएं, स्कूल में जाकर के पूछे क्या पढ़ाए, पेंट्स कौन सा पेंट, आज का दिवाली का सीजन चल रहा है और आप अपने घरों को पूत रहे, तो जो पोतते हैं ना वो जो पेंट्स लगता है उनमें भी आपका क्लोरीन गैस का ही यूज होता है। ये शाम को जो मम्मी पापा टिच बन करके जाएंगे दूसरों के घर का, आज तो बड़े साइनिंग कर रहे हैं, डाइजेस्टप्स में भी इसका यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई सच है जिसका नाम आपका ना होता है, दिस इज फॉर द ट्राई क्लोरो मीथेन, नहीं ट्राइक्लोरो ईथेन, जो रेडीमेड गारमेंट्स आपके आ रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट ये आप देखते हैं इसके कई प्रोसेस होती है। रेडीमेड गारमेंट जैसे आपने टी शर्ट खरीदी, ये टी शर्ट आपकी फैक्ट्री से बनेगी तो फैक्ट्री में इसके कई, एक खाली बाहां बाहां सिलेगा, एक लेफ्ट बाहां सिलेगा, कई मशीन आपके जो आपके लगी होती है, एक सिर पर राइट बाहां सिलेगा, एक खाली कॉलर सिलेगा, एक आगे का फ्रंट सिलेगा, एक पीछे का फ्रंट सिलेगा, एक खाली जेबी जेब सिलेगा, और उसके बाद लास्ट वाली रो में आपका ये पूरा जाकर के फिर उसका काम है पूरे को सबको एक साथ असेंबल करके आपके टी शर्ट को तैयार कर। उसके बाद फिर ये उसके बाद जाता है ना, जैसे ये कहीं गए, फिर उसके बाद ये बटन लगते हैं जैसे पैक, काज करने वाला अलग, बटन करने वाला अलग, एक का काम खाली काज ही काज करना है, जो बड़े बड़े ये जो छेद होते हैं जिसमें आप बटन को डालते हैं पैक्स को, ये जो होल है, एक ये बनाएगा एक आपका, फिर दूसरी मशीन में ये वाला ये बटन देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा ये बटन, ये जो देख रहे हैं और ये काज हो आपका, समझ रहे हैं? और क्या करूं यार, अब टी शर्ट तो खोल ले दूंगा आपने, ये हो गया उसने बनाया। उसके बाद फिर ये आएगा कटिंग सेक्शन में, जो अनवांटेड धागे होते हैं जैसे ये ऐसे ऐसे ये धागे, ये देख रहे हैं ऐसे कई बार आपका सिलाई से ये धागे है, इनको काटने वाला हो। उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर पार्क मशीन में जाएगा, पार्क इतनी बड़ी मशीन होती जैसे आपके वॉशिंग मशीन होती ऐसे उसका पार्क मशीन का ड्रम होता है, उसमें आप हल्का सा पेट्रोल डालोगे और एक ट्राइक्लोरोमीथेन डालोगे तो जितने भी दाग धब्बे लगे होंगे, जितने भी दाग धब्बे लगे होंगे ये सारे पार्क मशीन से आपका नाम ड्राई क्लीन होकर के आपका कपड़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जाएगा पैकेजिंग सेक्शन में, सॉरी प्रेस सेक्शन, और प्रेस भी ये नहीं होती जो आपके प्रेस वाला आता बाहर वगैरह दो भी जो आता है वो कोयले से पता चला टी शर्ट जल गए, वो होती स्टीम प्रेस, उसमें भी 50-50 धोबी बैठे हुए स्टीम प्रेस, उससे आपका कपड़ा जलेगा नहीं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जाकर इतने में आपका। उसके बाद फिर जाएगा पैकेजिंग सेक्शन में, वहां टी शर्ट आपका ना फोड़ होकर के वहां से आगे प्रेस होकर के, उसके बाद फिर ये बाहर से जो आप देखते हो पॉलिथीन में बिल्कुल, फिर उसके बाद ये पॉलिथीन से जाके उसके बाद फिर कि ये कॉटन का है रेयन का है, इसमें इतने प्रतिशत ये तागा है, इतने प्रतिशत ये तागा है आपका, इसको ज्यादा हीट आयरन से नहीं करो, उसमें फिर लोगो लगता है कंपनी का लोगो लगता है, तब जाकर के ये आपका ना फिर ये पैकेट के अंदर आपका आती है। पैकेट एक पैकेट बनाने वाला अलग होता है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने गुड़गांव में फैक्ट्री मैनेजर के बाद फिर मैं एक कंपनी में और आया प्रोडक्शन मैनेजर बन करके, तो वहां मैं इन्हीं चीजों को देखता था, क्वालिटी कंट्रोल को देखता था टेक्सटाइल में, तब मुझे इतनी सारी चीजें, ये पार्क मशीन अगर आप अपने स्कूल टीचर को बोलोगे क्या होता है तो ये होती है अपना कौन सा, ये इसका मुझे नॉलेज है, क्यों झूठ बोलोगे, इसका मुझे नॉलेज है, पढ़ करके आपको बता सकता हूं। तो कल आपसे मुलाकात होगी, धनतेरस की शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके मम्मी पापा को मेरी तरफ से दीजिएगा, और किसी गरीब से दिए जरूर खरीदना क्योंकि कल उसकी दिवाली हो सकती है।
और शकल से सूरत से सबसे पता लगता है यार, उसके कपड़े पहनने के पहनावे से होगा। अब वो टेच बन के दिए बना थैली में आएगा, वो बड़े बड़े मॉल दिए तो वही दिए तो मॉल में भी रखे है ना, जो जो ये बच्चे बैठे रहते हैं बाहर बैठे रहते हैं, ये रोडों में बैठे होंगे आज कहीं, कईयों ने ठेली लगाई होगी। अब वो थोड़ा कि आपका जो है क्या कहते हैं 5,000 की सफारी बन के आपका जो है आपको दिए बेच रहा होगा, मॉल में भी बिक रहे भाई। आप इन ठेली वालों से लोगे तो ये आपका ना 10 रुपए के आपको 12 देंगे, वो यानी कि 1 दर्जन आपको देंगे। मॉल में पता चला कि आपका 5 ही 10 रुपए के मिले, उन्होंने अपने कमीशन भी खाना। इनके घर की दिवाली आपके हाथ पे। Have a nice, nice, nice morning to you all. God bless. कल इसी समय पे दीपावली के दिन भी आपसे मुलाकात होगी।